दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। कल देर रात तक दिल्ली एनसीआर इलाके में खूब आतिशबाजी हुई, पटाखे जलाए गए, जिसके बाद आज सुबह तक दिल्ली की हवा जहरीली हवा में तब्दील हो चुकी थी। कल शाम से ही आतिशबाजी के बाद दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। कई जगहों पर तो प्रदूषण 30 गुना तक बढ़ चुका है। देखिए दिल्ली की ये तस्वीरें। इधर पोल्यूशन के वजह से बहुत गलत चीज़ हो रही है। इस बार पोल्यूशन बहुत अचानक से आया था, कुछ दिनों पहले तो कुछ भी नहीं था। अब मेरा भाई बीमार हो गया, मैं अपने भाई के साथ इधर आता था साइकिलिंग के लिए, पटाखे वगैरह वगैरह इतने सारे पटाखे फोड़े, कल तो सो भी नहीं पाया हम। बहुत परेशान किया फ्रिक बॉब और क्या कर सकते हैं, उसका तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। क्या असर बॉडी के लिए, क्या नुकसान होगा, क्या असर? गला खराब हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत, खांसी जुकाम, आँख में पता नहीं बहुत कुछ होता है। साइकिल चलाते समय तो आँख बंद और खोलने में भी दिक्कत होती है आजकल। प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत, खांसी आ रही है और जुकाम वगैरह हो रहे हैं। हाँ, मतलब साइकिलिंग करने में भी दिक्कत हो रही है थोड़ा बहुत। हाँ, बहुत बहुत आया वो। क्या वजह रही पोल्यूशन की? वो पटाखे वगैरह और बम फोड़ते ना बच्चे, हाँ वो सब। पहले बहुत कम था, ठीक है, आज बहुत ज्यादा है, इसलिए खांसी खराश हो रही गले में भैया, इसलिए मास्क भी लगा के आया हूँ, ठीक है। आज बहुत ज्यादा है, इतना नहीं था पहले, आज दिवाली पे बम भटकने के बाद ज्यादा हुआ है।